अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल पे। और बहुत बहुत शुक्रिया यार। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, सारी बातें छोड़। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं सारी बातें छोड़े, हर चीज छोड़ के कुछ कमेंट आए थे मुझे कि भाई आपने चश्मे उतार दिए। क्यों उतारे हैं? वो इसलिए उतारे कि मेरी एक लाइट यहाँ पर लगी है, एक लाइट यहाँ पर लगी। तो चश्मे पहनता तो लाइट नजरों आंखों पे पड़ती है, चश्मे पे पड़ती है, तो होता है ना थोड़ा हुसन छुप जाता है ये वो। लेकिन आप लोगों के इतने रिक्वेस्ट होने की वजह से ठीक है, अब ठीक है यार। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि चश्मे मुझ पे सूट करते हैं तो पहना करो। तो जनाब ठीक है, फिर हम आप आ गए वापस अपने चश्मों में। वैसे मुझे सही तरह ना पढ़ने में मुश्किल होती थी। चले अलग बात है सारी। बाकी आप सबको पता है कि कल मैंने एक रिएक्शन दिया था सेइंग यस टू माई सिस्टर फॉर 24 आवर्स, और ऋषि ने वहां पर चैलेंज किया था कि अगर ऐसे लाइक हो गए तो मैं उस पर जरूर, कहते हैं सेइंग यस टू माई ब्रदर कहना वीडियो बनाएगा ये वो। तो जनाब वो आज वीडियो लेके आया हूँ, सेइंग यस टू माई ब्रदर फॉर 24 आवर चैलेंज रिमोर व्लॉग। तो मतलब ऋषि दीक्षा को ये कहेगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, जितनी भी फैमिली मेंबर जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑफकोर्स, और ऑफकोर्स जैसे भी हो वो करना चाहूंगा मैं हर्ष का। ओके, हर्ष वन ऑफ मेरे बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर हैं। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद देविका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी यार देविका, आपने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। और मैं एक और नाम जरूर लेना चाहूंगा, महक खान। ओके, इन्होंने मुझे कहा था कि आप चश्मे पहने। ओके, आप चश्मों के बगैर। और दूसरा कहना चाहूंगा सोना राख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आए मिलकर देखेंगे ये वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात की ये वीडियो कैसी है। मुझे ने सुना कि ये उससे भी अच्छी वीडियो, उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये देखते हैं, फिर करेंगे इसके बारे में बात, स्टार्ट करते हैं अब। ये गलत है, आई अच्छा मीन बिल्कुल गलत है। मतलब जो आपने आप किया वो गलत मेरे नहीं साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे साथ, और वो भी आप। दीक्षा शर्मा, जो अब तुम्हारे साथ होने वाला है और तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस, हमने एक चैलेंज किया था जिस चैलेंज का नाम था सेइंग यस टू माय सिस्टर फॉर 24 आवर्स, और दीक्षा ने मेरे बाल लाल करवाए, दीक्षा ने मेरे मुझे ट्रेन में बिठाया, मुझसे बुक्स पढ़वाई, जो मुझे हर किसी भी पसंद नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट बुक्स। बट गाइस, अब आपने उस वीडियो को 100K+ लाइक्स देकर बता दिया है कि हमें करना चाहिए सेइंग यस टू माय ब्रदर फॉर 24 आवर्स। सर दीक्षा शर्मा, आप तो आज हम करने जा रहे हैं सेइंग यस टू माय ब्रदर फॉर 24 आवर्स चैलेंज। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना तंग करने वाले, क्योंकि अब मैंने भी तो आपको किया था ना कितना ज्यादा। अब लो बेटा मैडम जी, मजे लो। आप क्यों संजय बताने वाले? ये बंदी तक गई। कैसे गई? ऐसे गई, ऐसे गई। सो गाइस, जो हम पहले करने जा रहे हैं वो बड़ी सिंपल सी चीज है। एज वी ऑल नो दैट आई लव राइडिंग, आइदर इट्स कार, बाइक, आइदर इट्स रोलर कोस्टर। दीक्षा शर्मा, आपको रोलर कोस्टर में बैठना है और एंजॉय करना है। यार ऐसे मत करो यार, आपको पता है मुझे बहुत डर लगता है ब्रो। मैडम जी, आपको डर जितना मर्जी लगे, रोलर कोस्टर में बैठ के जो आपने मजे लेने हैं। कैसे आज तक कभी भी रोलर कोस्टर में बैठी नहीं है? प्लीज ऐसे मत करो ना यार, मुझे बहुत डर लगता है गाइस। मैं आज से पहले कभी नहीं बैठी हूँ, मुझे ना पता नहीं थोड़ा एंजाइटी सा फील होने लग जाता है ऐसे ही। गारंटी देता हूँ कि दीक्षा शर्मा 24 आवर्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे चीजें करवाने वाला हूँ, मजा आने वाला। दीक्षा, आर यू रेडी? आप तो चैलेंज स्टार्ट होने से पहले डरा रहे हो बंदे को। ऐसे ही होता है मैडम जी, आर यू रेडी? अभी की बात करते हैं। यस, लेट्स गो। Hey,
दीक्षा शर्मा क्या होगा। तो गाइस ऊपर जा रहे हैं हम लोग, दीक्षा डरी हुई है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत हाइट पे है हम लोग और थोड़ा सा कैमरा हिलेगा। ओके दीक्षा रिलैक्स, लेट्स गो, रेडी, 3, 2, क्लोज योर आईज। सो गाइस ये मुझे मना नहीं कर सकती, इसे यस बोलना पड़ेगा। अब इसे जो नेक्स्ट करना है वो मैं इसको बताऊंगा। दीक्षा हमें जो नेक्स्ट करना है, हाउ कैन आई लुक एट योर हार्ट बीट ब्रो, आई कैन नॉट लुक एट योर हार्ट बीट। तो बहुत मजेदार रहा एंड लेट्स गो फॉर द अनदर राउंड। दीक्षा दूसरी चीज के लिए यस, नो यू कांट से नो, से यस, से यस। दीक्षा की जो हालत हुई है गाइस, प्लीज मत करना, प्लीज मैं नहीं कर सकती यार ये सब। अब जो हम दूसरा करने जा रहे हैं वो बड़ा सिंपल सा है। हमारे संजय दत्त ने, हमारे स्प्रिंग स्पून ने ये बैग दिखाई है। संजय हाँ ये देखो, ये जो बैग है ना थोड़ा बहुत ज्यादा हैवी है। दीक्षा तुझे पता है क्यों हैवी है? क्योंकि इस बैग में है पैसे, ओके पॉइंट्स। तो अब दीक्षा को जाना है एक स्टोर में, कोई भी एक चीज खरीदनी है और जो पेमेंट करनी है। तैयार है, हम जा रहे हैं वेस्ट साइड में। बैग मैंने पहन लिया जिसमें है चंद रुपये, जो दीक्षा को पता लगेगा क्या होगा। गाइज इस तरीके से मैडम आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत एम्बैरेसिंग, पता है उधर लोग हंस रहे थे मुझे देखते देखते। मतलब कौन, आप बताओ कौन मॉल में आता है और कॉइन्स देता है यार? हारने तो नहीं वाली मैं, पक्का हारने नहीं वाली। जो दीक्षा शर्मा के साथ थर्ड चीज होने वाली है वो बड़ी सिंपल सी है दीक्षा, क्योंकि मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया है। तो तुम जाओ और स्टारबक्स में तुम्हें जो पीना है, माई वॉलेट, 20 रुपए साथ में, जो भी पीना है ले आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू हियर। थैंक यू, गो, God bless you. कार्ड में पैसे नहीं होंगे, कार्ड में पैसे नहीं होंगे। So guys, दीक्षा आने वाली है, जो आ ही गई है और उसे पता नहीं है कि मैं अब उससे क्या करवाने वाला हूँ। Look at her. Say hi, दीक्षा. So guys, दीक्षा शर्मा ने अपनी ड्रिंक ले ली है और how's it? Yummy. और इतनी इतनी टेंशन के बाद इतनी तो बनती है ना? सही में यार. हाँ? सही में यार. Okay. So मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मिला के। ओके एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय सिस्टर, बट व्हेन वी आर डूइंग अ चैलेंज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट चैलेंज। सो संजय दिस इज फॉर यू।
इसे लगा कि इसके लिए ड्रिंक आ रही है, बट ये बेसिकली संजय के लिए लेने गई थी। ये संजय के लिए? अरे यार इसमें ऐसे क्यों कर रहे हो यार, ये गलत बात है, ऐसे थोड़ा ना होता। संजय मेरी ड्रिंक वापस कर दे यार, तू दे दे वापस। कांट से नो, यू कांट से नो बेब्स। किसी ने कहा था कि 24 घंटे तक वो ना तो करेगा ही नहीं, तो कैसा लग रहा है दीक्षा शर्मा? क्या बोलूं मैं, अपने में से मुझे कितना मैच कर दिया, लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, अभी मैंने कहा हाँ अच्छी बात है। तो सॉरी है, सिप तो ले सकते। सिप क्या, तुम तो डिप भी नहीं ले सकती उसके। संजय ड्रिंक अच्छी है, जरा भाई को भी तो पिला। हाँ मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ। ये चैलेंज है, सॉरी गाइस, यू कैन से नो एंड यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक। नो बोल दिया। बोल दिया नो। नहीं, आई मीन टू से यस। तो कंटिन्यू करना चाहती हो आगे चले? ऑफ कोर्स। सो गाइस, अब जो मैं दीक्षा से करवाने वाला हूँ बड़ा सिंपल सा है। सो दीक्षा को आइसक्रीम लेनी है और खानी नहीं है, चलते चलते उस आइसक्रीम को अपने नाक पे मारना है और उसके बाद खा लेनी है। अरे यार नहीं ब्रो, नहीं क्यों? अरे यू हैव टू से यस। से यस बोलना। यस हेलो मैडम, बोलो उसे यार। यस ओके। सो दीक्षा नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फूड कोर्ट में जाना है और वहां पर जाकर जोर जोर से हमारा जो लेटेस्ट गाना आया था ना, जो वेक के हंस दी तुमका, देखो मेरा हंस के वो जोर जोर से गाना है। नो यू हैव टू से यस। सिर्फ गाना गाना है, जो वेक जोर से। लोग पता कितने होते हैं उधर? हां तो तभी तो गाना गाना है यार। क्या संजय गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? Yes, yeah. यार ऐसे कैसे डूड यार, ये मत सोचो यार, कुछ और बता दो। अभी रोने पे मत आ मैडम, यू कांट गेन सिंपैथी। नो यू कांट गेन सिंपैथी। बोलती हूं मैं सिंपैथी ले रही हूं, ऑफ कोर्स मैंने चैलेंज लिया है, मैं करूंगी। करने को मैं पहले ही मना कर देती। हां तो चलो फिर आओ, लेट्स गो। नहीं क्यों, बस कुछ नहीं करना, पब्लिकली जोर से करना, जब देख के हंस दी। आर यू सीरियस? नच के हंस दी। नो नहीं, वैसे नहीं होगा। और इसी के साथ गाइस, ऋषि देव जैसा कोई हो नहीं सकता, और अगर हो भी गया तो वो ऋषि देव को बोल नहीं सकता। ओहो, ये तो शर्मा जी का क्या डायलॉग बोल रहे हो? तो पहले अपना वो करना सीख, चैलेंज हार चुकी है। सो गाइस, दीक्षा शर्मा हार चुकी है, ऑफिशियली हार चुकी। पक्का? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो 24 आवर्स के जो चैलेंजेस है ना, मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, आई होप आपको भी आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को अगर बताऊं बता दो तो अगर इस वीडियो को 102K likes, यानी कि 102K likes मिलते हैं तो हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हैंड कफ चैलेंज। यानी कि हाथ हमारे बंधे होंगे, कैसे दीक्षा? ऐसे हमारे हाथ बंधे होंगे और हमें हाथ बांध के अपने 24 घंटे बिताने हैं। yes. और ये हम दोनों नहीं होंगे, हमारे साथ होंगे एक्स्ट्रा गेस्ट, एक्स्ट्रा गेस्ट दी स्पेशल गेस्ट। मेरे को थप्पड़ मार देंगे। अच्छा, हम एक्स्ट्रा हो गए। सो जाने से पहले 3-2-1 गो री मोर व्लॉग्स। ए ए ओके यार, एक बात बताना चाहूंगा मैं कि अगर बात करूँ ना दीक्षा की, तो वो यार इतना भी दीक्षा ने तंग नहीं किया था, मैं बोलूँ तो ठीक है। चलो इसने तो दीक्षा को हराने के लिए, लेकिन दीक्षा ने क्या किया था, बाल रंग करवा देते ये वो। जो मैं कहना चाहूंगा कि ऋषि ने थोड़ा हाथ थोड़ा तगड़ा रख दिया था, लेकिन मजे वाली वीडियो थी, सच्ची बोल दो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कि रोलर कोस्टर था ना, वो था बच्चों वाली, जो होते ना मॉल में छोटे मोटे प्लेइंग, क्या था, प्लेइंग ग्राउंड या प्लेइंग जो भी कह लें, गेमिंग वगैरह, वहां पर था। तो वो छोटा रोलर कोस्टर होता है ना, बड़ा वाला, जिसमें मैं बैठा था एक बार, तो मेरी तो हो गई थी। तो मैंने सोचा कोई बड़ा वाला रोलर कोस्टर होगा, लेकिन नहीं था, इत्तू था।
ठीक है, लेकिन अच्छा था फिर भी, मजा आया, दीक्षा ने दो बार राइड किया। लेकिन सबसे जो बेस्ट वाला था ना इसमें मेरे हिसाब से वो कॉइन्स वाला जो इसने चिल्लड़ दिया, ठीक है, चिल्लड़ दे के जो इसने 1000 रुपए का पजामा खरीदा, वाह भाई वाह, 1000 रुपए का पजामा, हो इन्ने बड़ा अमीर, इन्ने पैसे तुहाडे को कित्थों आ गए, दस दौ मैनू यार, मैं तक बना नहीं सकता इन्ने पैसे, की गल हैगी, ठीक है। उसके अलावा मुझे मजा आया, मैंने इंजॉय किया, आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। दीक्षा हार चुकी है जैसे कि आपको सबको पता है। हैंडकफ चैलेंज मुझे याद नहीं मैंने देखा हुआ कि नहीं देखा हुआ, मुझे प्लीज चेक करिएगा मेरी प्लेलिस्ट टुमॉरो व्लॉग रिएक्शन की, अगर वो मैंने देख लिया तो ठीक, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी रिक्वेस्ट पे रिएक्शन दिया जाए तो उस पर रिएक्शन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, दुआ में अपने भाई को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।